सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कॉलर लगाना। आप कॉलर किस हिसाब से लगा सकते हैं गले बने हुए में, इसमें हम दो तरीके से आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। और ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप कोई भी सेब का एक गला काट लें। और गला काटने के बाद हम जब अपनी कमीज में जमाएंगे, तो जैसे हम गले को जमाते हैं, हम उसी हिसाब से अपने गले को पहले जमाएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कॉलर कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये देखिए गला काट के हम इसे जमाने जा रहे हैं। और जैसे हम गला बनाते हैं हर बार उसी तरीके से आप गले को जमाएँ। तो दोस्तों, हमने देखिए गला बना लिया है। अब इस गले को जमाने के बाद हम अपने कमीज में फ्रंट वाले हिस्से पे इस गले को जमाएंगे। तो उसे हम ऐसे ओपन करेंगे और हम ओपन करने के बाद इस गले को जमाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में कच्चा डालेंगे, जिससे गले को जमा के हम चारों तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, जब आप गले को जमाने के बाद ऐसे काटेंगे एक एक पैर के मार्जिन के हिसाब से, फिर यहाँ पे ये कट गल का कट लगा लें किनारे पे तीनों। ये कट लगाने के बाद आप इसको ऐसे करके इसके एक किनारे पे सिलाई लगा के गला जमा लें। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा गला जम चुका है। अब हम अपने बैक पल्ले को उठाएंगे और हम अपने बैक पल्ले को ऐसे खोलेंगे। बैक पल्ले को खोलने के बाद हम कैसे जमाएंगे गला, आप देखिए। हम अब उल्टी तरफ से हम इसकी कंधी को ऐसे रखेंगे बराबर से और इस पर सिलाई लगाएंगे सीधी। फिर इसको भी यहाँ से हम किनारे से मिलाने के बाद इसे सिलाई लगा लेंगे। फिर दोस्तों, एक सिलाई और लगाएंगे, इसमें हम पक्के करते चले आएंगे इसको। तो दोस्तों, ये देखिए हमने अपने गले को जमा लिया है। गला जमाने के बाद आप इसे क्या करेंगे, कॉलर बिल्कुल एंड में चढ़ाएंगे। उससे पहले आप अपनी साइड वाइड इसे जोड़ लें। साइड जोड़ने के बाद बाजू वाजू सब चढ़ा लें। तो ये हमारी बैक हिस्सा है, इस हिसाब से आपको आएगा नज़र, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें यहाँ पर इंच टेप ऐसे रखें और यहाँ तक इसकी ब्रॉडनेस नापेंगे तो 6.25 इंच आ रही है। तो हम यहाँ पर 3 इंच एक सूट पर हाफ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गया। इस निशान के बाद हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से और हम एक टुकड़ा लेंगे। ये हमारी बेल्ट का टुकड़ा है, ठीक है। हम इसे यहाँ से काट लेते हैं अंदाजे से थोड़ा। और ऐसा एक बेल्ट का सीधा टुकड़ा आप खरीद के रख लें या आप बुकरम का लगा लें, ठीक है। उसे आप इस हिसाब से करके पहले तो इसे कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद आप इसको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो कॉलर लगाना है वो कॉलर की जो चौड़ाई होगी वो 1 इंच की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 इंच एक सूत में हम निशान लगा के इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और ये लगाने के बाद हम इसको नापेंगे तो हमारा जो कॉलर होगा वो कम से कम होगा 12 इंच का। तो यहाँ से हम 6 इंच लेके हाफ में इस हिसाब से निशान लगा लें। और निशान के बाद यहाँ से हम इसको गोलाई भी दे सकते हैं या सीधा रखना, आपको सीधा भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ इसे गोलाई देंगे, तो हमने यहाँ हल्की गोलाई दे दी, ठीक है। उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने गोलाई देने के बाद हम इसे ऐसे पकड़ के इसे खींचेंगे, जो भी धागे से हटा दो। ठीक है, उसके बाद हम कपड़ा लेंगे एक और एक कपड़ा लेने के बाद हम इसको इस हिसाब से रखेंगे। और सबसे पहले जो हमारा सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसके सिर्फ एक तार पे हम सिलाई चलाते हुए चले जाएंगे। एक तार पे चलानी है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ सिलाई लगाने के बाद।
ये देखिए हमने ये एक तैयार पे सिलाई चला दी। उसके बाद अब इसे यहाँ पे कच्चा कर लें। जब आप इसे कच्चा कर लेंगे तो उसके बाद एक कपड़ा ओढ़ लेंगे हम, और उस कपड़े को इस हिसाब से रखें, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा भी कुछ आपको काटना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है। फिर आप इसको सिलाई लगा लें इस हिसाब से, जैसे कि हमने गले को पलटा था। बुकरम पे सिलाई अब ना चल लें, बिल्कुल बुकरम के बराबर से आपको जड़ में सिलाई मारते जाना है। इसके बाद आप इसे इतना मार्जिन काटने के बाद आप इसको ऐसे पलटेंगे, और पलटने के बाद इसके किनारे पे आप एक सिलाई चलाएंगे। ये देखिए किनारे पे सिलाई चलाते चले हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पे सिलाई लगा के आ जाएंगे तो जो आपने एक तार पे सिलाई चलाई थी वो सिलाई आपको यहाँ पे नज़र आती होगी, आप उसी के ऊपर एक सिलाई चला लें और नीचे वाला कपड़ा भी उसमें जम जाएगा। तो सिलाई चला लें हम इसके ऊपर एक। तो दोस्तों आप देखेंगे, ये देखिए नीचे की तरफ भी आपकी सिलाई नज़र आने लगी, और दूसरी तरफ जो हमने सिलाई लगाई थी एक तार पे यहाँ पर, ये देखिए सिलाई नज़र आ रही है। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको एक पैर के मार्जिन के हिसाब से कटिंग कर लेंगे कपड़े को, और फिर इसको इस हिसाब से सेंटर करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये आपका हो गया कॉलर का सेंटर। अब आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी कमीज़ है, ठीक है। हम कमीज पे यहाँ से ओवरलॉक करेंगे पूरी सीधी, और इसके यहाँ पे भी सीधी ओवरलॉक करेंगे, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों ओवरलॉक करने के बाद आप इसको इस हिसाब से रखेंगे, ये आपका सेंटर वाला हिस्सा है, और जो हमारे हमने यहाँ से गले के बीच में नापा था बैक वाला हिस्सा, ये हमारा सेंटर हो गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी ये सिलाइयाँ लगी हुई है ना, आप इस सिलाई को ऐसे पकड़ें और इस हिसाब से मिला लें। मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से रखें दबाओ, फिर इसको इस हिसाब से रखेंगे, और इस हिसाब से नापने के बाद सिलाई के ऊपर देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी, ठीक है, उस सिलाई के ऊपर इसको ऐसे रखना है जिससे सिलाई नज़र ना आए, और यहाँ से आप पक्के करके पक्की सिलाई बिल्कुल लगाएंगे। और लगाने का तरीका क्या है, पहले आप लगाते हुए इसके इस किनारे तक आएँ, जब आप इस किनारे पे सुई अंदर की तरफ रहनी चाहिए, फिर आप इसको ऐसे घुमा लें, और घुमाने के बाद आप इसको इस हिसाब से रखें, निशान से निशान मिला लें, फिर आप इसके ऊपर सिलाई चलाएं निशान तक। फिर निशान के बाद अंदर होनी चाहिए हमेशा सुई, हमेशा अंदर होनी चाहिए जहाँ भी आप रोकें मशीन। फिर ये जो हिस्सा है आप इस हिस्से को ऐसे रखेंगे जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, देखिए गले वाला हिस्सा हमारा इस हिसाब से आ गया। फिर आप इसको यहाँ पर सिलाई लगाते हो यहाँ तक ला के रोकें, फिर आप इसको ऐसे घुमा देंगे, और घुमाने के बाद आप इसको ऐसे लेके आएँ और इसे पक्का करके उतार दें, जो भी आपके धागे फालतू काट दें। उसके बाद ये आपका ऊपर वाला हिस्सा कच्चा, ये खोल के मैं आपको बताता हूँ कैसे चढ़ाइए। तो दोस्तों ये आपने कॉलर लगा लिया, कॉलर लगाने के बाद आप देखेंगे आपका ये इस हिसाब से आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलर वाले को छोड़ के जो कपड़ा है आपका फालतू, आप यहाँ पर हल्का सा कट लगाएँ इतना, इससे क्या होगा ये फ्री हो जाता है, जिससे फ्री होने से ना ये आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं देगा। फिर आप इसे तिरछे में भी काट सकते हैं, ऐसे करके काट दें। ये सिर्फ आपका कंधी वाला हिस्सा कटेगा, इस हिसाब से आप दूसरे वाले को भी काट लें। ये आपका कट गया, अब मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा डेमो पीस होता है, ठीक है, जिसे हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए जब आप कोई भी गले की शेप बनाएंगे, चाहे वो कोई भी गला हो, तो आपका ये देखिए अंदर की तरफ ये ओवरलॉक है जिससे कि धागे नहीं निकलेंगे, और ये आपका कोई भी शेप का गला हो, जैसे मैंने सीट हार्ट काटा है, आप इसमें गोल गला काट सकते हो, पान शेप काट सकते हो, वी काट सकते हो, कोई भी शेप देखे या कोई भी गले में डिजाइन बनाने के बाद आप इस तरीके से कॉलर चढ़ा दें, तो इसे हम कहते हैं कच्ची लव वाला कॉलर। जब ये पहनेंगे तो ये कॉलर आपका बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके का कॉलर चढ़ाना। अब गले में आप दूसरी तरीके से कॉलर कैसे चढ़ाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या, इसमें क्या दिक्कत आती है, ये किसी किसी के ओके रहता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर ये चीज़ उठी हुई होती है, तो ये हम डाउन नहीं करते बैक से, जो हम गोलाई दे के काटते हैं, तो ये किसी के यहाँ से गर्दन के पास से उसको टाइट रहता है,
ठीक है, या चढ़ा चढ़ा रहता है। तो इसके हिसाब से अगर किसी कस्टमर को दिक्कत है या आपको भी दिक्कत है, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ दूसरी तरीके से कॉलर चढ़ाना। तो वो कॉलर भी आप चढ़ा सकते हैं, और उसको किस हिसाब से बनाना है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो आप चलिए हम दूसरा वाला कॉलर बनाते हैं, और इस कॉलर को हम खोल के दूसरा कॉलर आपको बताते हैं किस हिसाब से बनेगा वो। तो दोस्तों ये देखिए, हमने कॉलर खोल लिया। कॉलर खोलने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आप देखिए आराम से। तो दोस्तों जो आपका बैक वाला पल्ला होगा, देखिए आप इसको इस हिसाब से मिला लें। ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा हो गया, ये आपका बैक वाला पल्ला हो गया। आप इसको ऐसे बराबर से मिला लें पहले, और मिलाने के बाद आप देखिए इस हिसाब से जब रखेंगे, ये आपका गले के बराबर आ गया। तो हम इसको हमेशा यहाँ से डाउन करते हैं, मैंने आपको बताया 1 सवा इंच डाउन कर लें। तो आप इसको इसी हिसाब से, क्योंकि अभी हमारी कंधे मुड़ी हुई है, इसको हम खोल के दिखा देते हैं आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये हमारी जो कंधी होती थी, हम यहाँ से डाउन करते थे, हम यहाँ से इसको उतना ही डाउन कर लेते हैं, इस हिसाब से हम गोलाई देते हैं। ये हमने गोलाई दे दी, और गोलाई देने के बाद हम यहाँ पे एक हल्का कट लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमने कट लगा लिया, अब कट लगाने के बाद हम इसको अभी हटा देते हैं। और दोस्तों देखिए, अब हम इसे आप अलग एक कपड़े पर हम इसे जमा के आपको दिखाएंगे। कॉलर को हमेशा वैसे काटना है जैसे हमने उसमें बताया था, लेकिन ये वाला जब डाउन वाला गला हम काटेंगे, तो हम इसमें जैसे हम उसमें रखा था हमने 12 इंच, तो हम इसमें इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे कॉलर की, और उसको काटेंगे हम 12.5 या 13 इंच, और उसके बाद हम इसे प्रेस से चिपका लेते हैं। वैसे आप सिलाई से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, कच्चा डाल के, लेकिन अभी मैं आपको प्रेस करके ये बताता हूँ कैसे बनेगा। जब आप इसे प्रेस से चिपका लेंगे, फालतू कपड़े को आप काट लें, और चलिए मशीन की तरह मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो दोस्तों जब आपका ये, आप इसे कच्चा कर लीजिए पहले, ये मैंने प्रेस से चिपकाया है, मैं आपको बताता हूँ। आप हमेशा पहले इस पर इस हिसाब से ऐसे एक कच्चा मार लें, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको ऐसे पकड़ लें। लेकिन अभी मैंने चिपका रखा है, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे करके इसकी लप पे एक सिलाई चला लूँगा किनारे पर। हम लब की सिलाई कहते हैं जो बिल्कुल किनारे पे होती है, तो हम इसके किनारे पे एक सिलाई चला के इस बुकरम को जमा लेंगे। फिर हम यहाँ से करीब एक पैर का मार्जिन छोड़ के इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका कट हो गया। फिर आप इसको पहले मशीन के धागे को आप इसको इस हिसाब से कर लें अलग अलग। फिर आप एक कपड़ा नीचे रखेंगे इसके, और कपड़ा नीचे रखने के बाद आपसे उतना ही कपड़ा नहीं जितनी आपको ज़रूरत हो, वरना ज़्यादा कपड़े में संभालने में दिक्कत होती है। ये देखिए, ऐसे रखने के बाद जब आप इसको ऐसे करके जमा लेंगे एक सिलाई से, फिर आपको इस हिसाब से रखना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैक कलर का शायद आपको दिक्कत हो, ये निशान है हमारा, ठीक है, कम से कम एक पैर ऊपर से, ठीक है। हम इसको सिलाई को लगाएंगे पक्की करके, यहाँ से अब एक पक्की करेंगे हम सिलाई। और इसको हम ख़त्म भी यहीं पे करेंगे। तो दोस्तों जब आप इस पर सिलाई लगा लेंगे, फिर आप इसको इस हिसाब से देखिए एक पैर का कटिंग करेंगे पूरा कपड़ा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक पैर जो आपकी, ये आपकी जो बुकरम की सिलाई है, आप इसे एक पैर एक्स्ट्रा जितना आप दबाव लेंगे कॉलर में उतना कटिंग कर लें, और फिर इसको आप इस हिसाब से मिलाएं, और यहाँ पे एक सेंटर में कट लगा लें। जब आप कट लगा लेंगे इसको, फिर आप इस कॉलर को ऐसे करके पलटेंगे, ये आपने पलट लिया। फिर आप इसको ऐसे रख लें। फिर दोस्तों देखिए, फिर आप यहाँ से गले को आप ऐसे करके नापेंगे, ठीक है। नापने का देखिए, हमने यहाँ पे गोलाई कर दी थी, और गोलाई करने के बाद यहाँ पर सेंटर में कट लगा लें। अब हमारे गले की जो लंबाई है वो 13 इंच है, तो हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इसको ऐसे करके नापेंगे, तो हमारा ये 13 इंच यहाँ पर आता है 6.5 इंच पे। हम यहाँ पे एक निशान लगाते हैं, और दूसरी तरफ भी एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम उल्टी तरफ से, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, उल्टी तरफ से हम इसको कॉलर को, ये जो आपका दबाव है एक पैर का, वो एक पैर के दबाव के हिसाब से बिल्कुल इसके किनारे पर लेके चलना है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, कपड़ा आपको इतना भार रखना है, और बिल्कुल इसके किनारे पर सिलाई चलानी है, क्योंकि ये हमारा गले की, गला बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे हमारे, ठीक है। यहाँ पे हम किनारे पे इसके सिलाई चलाएंगे, इस गले को, इस कॉलर को हम गले के बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ तक जमा के हो लेके आना है हमें।
जब हम थोड़ी किनारे पे आएंगे तो यहाँ से हम एक पैर का दबाव ले लेंगे बैक साइड में। जब यहाँ एक पैर का दबाव लेंगे फिर यहाँ से हमें एक पैर का दबाव लेके ही चलना है। और यहाँ पे जब कुटके से कुटका मिल जाएगा तो आप समझ लीजिए आपका कॉलर बिल्कुल ओके चल रहा है। जब कट से कट मिल जाए आपका तो आप इसको इस हिसाब से फील्ड वाला सिलाई लगाएं। और जब आप इसके किनारे के आसपास आएंगे तो आपको वही करना है, यहाँ तक आपको एक पैर की सिलाई मारते हुए आना है। और यहाँ के बाद आपको फील्ड वाला कपड़ा बाहर निकाल के लब की सिलाई पे लेके आना है। और जहाँ पर आपका देखिए निशान था, हमारा कॉलर बिल्कुल ओके चढ़ेगा तो आपका बिल्कुल निशान पे ही आएगा एंड। ठीक है, जो हमारा निशान पे आ गया, अब हम इसे सिलाई लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर की सिलाई इसलिए लिए ताकि आप देख सकें, यहाँ से हमें यहाँ तक लेके आना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक पैर का दबाव लेना है, फिर आपको यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं, फिर यहाँ से आपको लब पे सिलाई लगानी है। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जब ऐसे पलटेंगे ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इसकी नोक बिल्कुल सफाई से फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर बिठानी है। और बिठाने के बाद आप इसको ऐसे रखें और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करें। और ये देखिए इस हिसाब से आप सिलाई लगाते हुए चाहेंगे। और देखिए जब आप बिल्कुल किनारे पे आएंगे तो यहाँ पे भी कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरीके से कर लें पहले, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। देखिए जहाँ थोड़ा कपड़ा निकल रहा है बाहर, हम इसको अच्छी तरीके से पहले से फिनिशिंग कर लेंगे सुई की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे और इसे सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर आके जब हम पक्का कर लेंगे इसको ऐसे घुमाएंगे और कॉलर के बिल्कुल किनारे पे पूरे कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए कॉलर लग चुका है। इस कॉलर को हम कहते हैं पक्की लब वाला कॉलर। मैं अपनी बुटीक में इसी हिसाब से कॉलर लगाता हूँ और आप देखेंगे इसकी फिनिशिंग। ये देखिए हमने गले के ऊपर लगाया था ठीक है, पहले तो हम ऊपर से दिखाते हैं आपको, फिर अंदर की तरफ से आप देखेंगे फिनिशिंग को। ये देखिए ये हमारी बैक साइड आ गई, इस हिसाब से आपका कॉलर ये लग जाता है। तो कॉलर लगने के बाद आप फालतू धागे को छाट दें। और इसमें इस कॉलर से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी शेप में गले में इस हिसाब से कॉलर लगाएं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सही करके दिखाते हैं कॉलर कैसा बैठेगा। ये देखिए जब आप इसको ऐसे करके बराबर करते हैं ना तो ये कॉलर जो है ना थोड़ा थोड़ा पीछे से देखिए, ये पीछे से आप देख रहे होंगे इस हिसाब से डाउन में आ रही है। लेकिन जब ये कोई भी कॉलर पहनता है तो ये बिल्कुल इस हिसाब से बैठ के बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग में ये बैठता है ठीक है। बनाते वक्त थोड़ा ऐसा होता है प्रेस से आपका ये बैठ जाएगा कॉलर और जो पहनेगा उसका बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें उसको किसी भी तरीके की इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी राय यही है आप इसी हिसाब से कॉलर लगाएं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है ये लगाने में तो आपको जो मैंने पहले वाला बताया था कॉलर आप उसको भी लगाएंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम वो वाले कॉलर भी बहुत बार लगा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और दोस्तों हमने एक वेबसाइट बनाई है अपनी aminabutique247.com, आप उस पर जाके विजिट करें और अपनी कुछ भी क्वेश्चन हो वहाँ भी पूछ सकते हैं, जो आपको बहुत ही जल्द उसके जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।